नागपुर के जीरो माइल से 12 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले खापरी रेलवे गावठान के अधिकतर मकान एक के पीछे एक गिर रहे हैं। राज्य सरकार के उदासीनता के चलते इस खापरी रेलवे गावठान का पुनर्वसन का मामला अधर में लटका पड़ा है, जिससे गांव वाले रोजाना तिल तिल मर रहे हैं। कल फिर गांव का एक मकान पूरी तरह से गिर चुका है। क्या सरकार खापरी रेलवे गावठान में लोगों के मौत की संख्या देखने के इंतजार में है? इस गांव के दर्जनों लोगों ने पुनर्वसन को लेकर अपनी आपबीती बीसीए न्यूज समक्ष बताई है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट खापरी रेलवे गावठान से। पुनर्वसन तो करना ही होगा में आइए देखते हैं। दिन-ब-दिन नागपुर शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। नागपुर शहर की सीमेंट की सड़कें हो या हो फिर शानदार ब्रिज या हो फिर नागपुर मेट्रो आदि विशेषताओं से नागपुर की पहचान अलग अलग राज्य में हो रही है। नागपुर की जनसंख्या के साथ साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। नागपुर में मध्य रेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो वहीं नागपुर के जीरो माइल से 12 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले खापरी रेलवे गावठान के गांव वालों का सरकार ने अभी भी पुनर्वसन नहीं किया है, जिसके चलते यहां के गांव वाले रोज तिल तिल मर रहे हैं। खापरी रेलवे गावठान के अधिकतर मकान आंधी बारिश से गिर चुके हैं। यहां के गांव वालों को गिरे हुए मकान को रिपेयर या नया निर्माण करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते खापरी रेलवे गावठान के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी रोष पनप रहा है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम पहुंची है खापरी रेलवे गावठान में, जहां पे यहां इस जगह पे कई मकान जमीन दोज हुए। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इन गांव वालों की हकीकत के बारे में बताने के लिए कि यहाँ पे किस प्रकार की विपदा आई हुई है और यहाँ पे कैसे मकान जमीन दोज हुए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो मकान दिख रहा है, ये तकरीबन अब तक के ऐसे 14 मकान पूरी तरह से जमीन दोज हुए हैं। 15वें नंबर पर यह घर आता है जो आज रातों रात ये गिर चुका है, मगर शासन प्रशासन का कतई ध्यान इस ओर नहीं है। कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पे हुआ है। आखिरकार क्या सरकार इन्हें न्याय देगी, ये तमाम बातें जानने के लिए आज बीसीएन की टीम आई है। हम सीधा रुख करने जाएंगे जिनका ये मकान है, उस मकान के मालिक से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहूँगी, कितने बजे की घटना है? दिलीप मनोहर पायगन, खापरी रेलवे। आज सुबह 10:30 बजे मेरा मकान पूरी तरह गिर गया, उसमें मेरा परिवार बाल बाल बच गया। हम 17 साल से पुनर्वसन का प्रतीक्षा में हैं, लेकिन सरकार का हमारे तरफ कोई भी ध्यान नहीं। 17 साल से हम खाली पुनर्वसन होने वाला है, इस वजह से हम ना मकान बना पाते ना कुछ, पुराने मकान में ही हम रहते हैं। हमारे गांव के बहुत सारे मकान ऐसे गिर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पायघन नाम के एक व्यक्ति थे जो यहाँ के निवासी हैं, उनका मकान जमीन दोज हो गया। पिछले 17 वर्षों से पुनर्वसन की लगातार मांग कर रहे, फिर भी शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इस समय में हमारे साथ में खापरी रेलवे गावठान की सरपंच महिला साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, ये बताइए कि जिस तरह से आज इस गांव की जो खस्ता हालत हुई है, कई गांव जमीन दोज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हुआ है और सरपंच के तौर पर आप इन्हें क्या मदद करना चाहोगे? रेखा सोनचक के सरपंच, ग्राम पंचायत खापरी रेलवे। दिलीप पायकर यांचं घर पडलं, माहिती मिळताच मी त्यांच्याकडे आली। त्यांच्या घरी 2 मुलं आणि आई होती, थोडक्यात ते वाचले। एवढे हेच तर काय, याच्या पहिले 10-15 घरे असेच पडले आहे, पण सरकार यांच्याकडे अजूनही लक्ष देत नाही। परत एवढेच घरं, 10-15 घरं पडण्याच्या स्थितीत आहे। आमची वारंवार सरकारकडे मागणी आहे की आमचं पुनर्वसन द्या। 17 वर्षापासून ते आम्हाला नुसते आश्वासन देत आहे, आज होईल, उद्या होईल, यावर्षी, पण इथपर्यंत जे पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होत आली
बावनकुळे साहेबांनी पर्यंत आमचं पुनर्वसनाची पोहोचवली आहे. तसेच गडकरी साहेबही आमच्या पाठीशी आहे, तेही पुनर्वसनासाठी आम्हाला मदत करत आहे. सतत आम्ही हे जे नवीन आमदार आहे सावरकर साहेब तेही प्रयत्नात आहे. पण सरकारचं एकच म्हणजे म्हणणं आहे की निधी अभावी पुनर्वसन थांबलेलं आहे. पण सरकार गांभीर्याने काही विचार करत नाही या गोष्टीवर. सरकारने विचार करून गाव पुनर्वसन करून द्यावं, मी एवढे प्रयत्न करते. आणि सरपंच के तौर पर आप इन्हें क्या मदद करूं? सरपंच या नात्याने मी आमच्या ग्रामपंचायतकडून आणि ग्रामपंचायतमार्फत शासनाकडून जी मदत मिळेल ते मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेन. आणि सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आमचं लवकरात लवकर पुनर्वसन करून द्या, ही विनंती करते. तो आप थी सरपंच रेखा सोनटके, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि पिछले 17 वर्षों से ये लोग पुनर्वसन की बार बार मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं, मगर शासन जो है अभी भी कुंभकर्णी नींद में है. यहाँ पे जीवित हानि नहीं हुई है. अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगा तो वो दिन दूर नहीं जहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती है. आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ये तो सरकार ही तय करे. लेकिन एक बात तो तय है कि खापरी रेलवे गांवठान का पुनर्वसन अभी भी नहीं हुआ है, जबकि इस गांव की लोक संख्या 3595 बताई गई है. अब हम सीधा यहां से गांव से रुख करेंगे और वहां के तहसीलदार से भी इस विषय को लेकर उनसे भी बातचीत करेंगे. आइए हमारे साथ. मौजा खापरी रेलवे गांवठान तहसील जिला नागपुर मिहान, यहाँ की सभी जगह मिहान प्रोजेक्ट के लिए पिछले 12 वर्षों से संपादित की गई है. इतना ही नहीं, सरकार की ओर से पुनर्वसन के लिए कलम 23 की कार्रवाई भी हो गई है, जिसे 12 वर्ष भी हो चुके हैं. सरकार की ओर से इन गांव वालों के लिए पुनर्वसन निधि नहीं दिए जाने से इस खापरी रेलवे गांवठान का पुनर्वसन अधर में लटका पड़ा है. गांव की महिलाएं हमारे साथ में जुड़ चुकी है, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका अपना क्या कहना है. आप बताइए कि किस प्रकार की घटना थी, क्या समय था, क्या कहना चाहते हैं? मी प्रणाली पायधन बोलत आहे. 11:30 ही घटना घडली तेव्हा मी माझी आई आणि माझा भाऊ आम्ही सगळेच आतमध्ये होतो. अचानक ही घटना घडल्यामुळे आम्ही लगेच सगळेजण बाहेर आलो. त्याच्यामुळे आम्हाला सरकार म्हणजे हीच मागणी आहे की आमचं लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावं. आणि आम्हाला शाळा कॉलेजेस हे फार दूर पडतं सर, कारण इथनं 4-5 किलोमीटर फार दूर लांब होतं. त्याच्यामुळे फक्त आमची हीच विनंती आहे सरकारला की आमचं लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावं. मला इथून मुलीला घेऊन जायचं राहते, इथून ट्युशनला बरं झालं भीत नाही पडली तर पुनर्वसन मला पाहिजे. 17 वर्ष झाले पुनर्वसन मिळते हेच सुरू आहे. घरा आता आमच्या शेजारीच आज एवढा मोठा हादसा झाला, बरं झालं जीवहानी झाली नाही त्यात काही. आणि परत म्हणजे आम्ही किती कंटाळून गेलो इथे राहू. जाण्यायेण्याचा प्रॉब्लेम आहे, मुलींचा प्रॉब्लेम आहे. आज किती मोठी हानी होता वाचून गेली. सरकार काही लक्ष देत नाही आहे, काहीच नाही. पुनर्वसन के लिए लेआउट तयार करके प्लॉट को नंबर देने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन लेआउट विकास कार्य निधि नहीं मिलने के चलते पूरा काम रुक गया है. विकास कामों का प्रस्ताव मिहान के मुख्य कार्यालय मुंबई यहां पर पिछले 1 वर्षों से धूल खा रहा है. प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने के कारण विकास कामों की पूरी प्रोसेस रुकी हुई है. यहां के गांव वालों ने ग्राम पंचायत कार्यालय की ओर से लगातार जिलाधिकारी कार्यालय, मिहान कार्यालय, राज्य सरकार के दरबार में बार बार यहाँ की पुनर्वसन विकास कामों को लेकर उनके ध्यान में ये बात पहुँचाई है. बावजूद इसके उसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है. जो जल्दी से जल्दी पुनर्वसन करके निजी वगैरह वो डेवलपमेंट का जो लेआउट डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट करके तुरंत हमको यहाँ से रिहा करके उधर शिफ्ट करते हैं. जो शासन के तरफ हमारा प्रलंबित प्रस्ताव है पुनर्वसन का, गए 17 साल से अभी तक कुछ भी उसका अंतिम निर्णय हुआ नहीं. सेक्शन जितने थे जरूरी वो सभी सेक्शन खत्म हो गए. अभी सिर्फ हम सरकार के तरफ आशा लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी निधि आए और खापरी गांवठान का पुनर्वसन जल्द से जल्द हो. जिनका लोगों का पुराना मकान है उसका वैल्यूएशन निकला है, उसके पैसे मिले. ये हालात हमको आने नहीं चाहिए. डबल मकान गिर गए लोगों के, ऐसी पोजिशन में हम यहाँ रहेंगे कैसे? जल्द से जल्द पुनर्वसन होना चाहिए, बस यही हमारी विनंती है. गावकरी वर्ग त्रासून गेलेले आहे, त्यांचं लवकरात लवकर पुनर्वसन करावं आणि इथून वर्धा रोडवर त्यांचं स्थलांतरित करावं, हीच अपेक्षा शासनाकडून शासनाला आमची आहे. धन्यवाद. इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने
तारीख 27 अगस्त 2021 को संबंधित अफसरों से खापरी रेलवे गांव ठान का पुनर्वसन को लेकर और उनकी समस्याओं का तत्काल निपटारा हो ऐसे निर्देश भी बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए थे, लेकिन अधिकारियों के अड़ियल रवैये और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते गांव का पुनर्वसन का काम ठंडे बस्ते में पड़ा है। मिहान प्रकल्प में खापरी रेलवे, दहगांव, कलकुही, तिलहारा आदि गांवों का संपादन किया गया, जिनमें से दहगांव, कलकुही, तिलहारा और खापरी रेलवे लेआउट, इनकी पुनर्वसन कार्रवाई पूरी कर उन्हें घरों का वितरण भी किया गया है। लेकिन अफसोस की मुख्य गांव ठान खापरी रेलवे का पुनर्वसन अभी भी अधर में लटका पड़ा है। खापरी रेलवे गांव ठान के अधिकतम मकान की काफी बदहाली हो चुकी है। अब तक के 15 से 20 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये मकान भी पूरी तरह से जमींदोज हुआ है। इस दुर्घटना में किसी की भी जीवित हानि नहीं हुई है, सभी लोग बाल बाल बचे, वरना खापरी रेलवे गांव ठान में शवों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रशासन द्वारा पूरा गांव संपादित किए जाने से 10-12 वर्षों से कई मकान आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन खापरी रेलवे गांव ठान के गांव वाले ना कोई नया मकान बना सकते हैं और ना ही कोई मकान रिपेयरिंग कर सकते हैं। आखिरकार राज्य सरकार हो या प्रशासन, क्या ऐसी दुर्घटना में मरने वालों की संख्या देखना चाहती है? ये सवाल राज्य की जनता में उभर कर सामने आ रहा है। खापरी रेलवे गांव ठान के सैकड़ों नागरिकों ने अपनी समस्या के अंबार का पिटारा खोलते हुए सरकार को जल्द से जल्द न्याय देने की गुहार बीसीएन न्यूज के माध्यम से दी है। आइए देखते हैं खापरी रेलवे गांव ठान के नागरिकों की समस्या। तो दर्शकों, हमने देखा कि खापरी के रेलवे गांव ठान की यह हकीकत कि किस प्रकार से यहां पे जो मकान हैं जमींदोज हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में पूरे यहां के नागरिक मौजूद हैं, आखिरकार शासन और प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, ये अफसोस। जबकि करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किया गया है, लेकिन अभी भी कामकाज पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इस परिसर के नागरिकों को चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है और स्कूल कॉलेज भी काफ़ी दूर है, अस्पताल भी काफ़ी दूर है, इंडस्ट्रियल एरिया धीरे धीरे बनते जा रहा है। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर का विकास जरूर हो रहा है, लेकिन शहर के नागरिकों का विकास नहीं हुआ है। देश को आज़ाद होकर आज 74-75 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन क्या सही मायने में खापरी रेलवे गांव ठान के ये नागरिक आज़ाद है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या इस ओर सरकार ध्यान देगी? इस ओर पूरे राज्य के नागरिकों की निगाह लगी हुई है। खापरी रेलवे गांव ठान से संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।